स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल रोजगार पोर्ट पर। मैं यशवंत सिंह अगेन आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? क्वेश्चंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रैक्शंस की कुछ डेफिनेशन समझाई थी। क्या समझाई थी? डेफिनेशन। उनसे रिलेटेड कुछ आपके सवाल होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम के लिए फ्रैक्शंस में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। क्लियर है? और आपका यदि बैंक के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो बैंक के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा फ्रैक्शंस में से। बैंक के लिए आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी ये वाला जो टॉपिक है वो आपका कैसा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसमें आपका SSC, UP SSSC, ये एग्जाम जो भी निकालते हैं, जो भी एग्जाम आपका निकलता है या जो भी एग्जाम आपका होता है, उसमें सब में आपका फ्रैक्शंस में से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो रही बात? इसमें से कोई भी आप सबको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यानी आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पहले वाला जो चैप्टर था यानी नंबर सिस्टम, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वैसे ही ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझिए, इसमें मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, कल डेफिनेशन जो कराई थी उस तरीके से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? एक होता है बड़ा, ठीक, एक होता है छोटा। कैसा होता है? एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा। बड़ा जो होता है वो होता है आपका आरोही। कैसा होता है? आरोही। और जो छोटा होता है वो कैसा होता है? आपका अवरोही। ठीक, वैसे तो आप ये वाला टॉपिक जो है या इस तरीके से आप पढ़ते आए हैं, बहुत ही पहले से ही आपको पढ़ाया जाता है, फिर भी इसमें ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं कि आरोही और अवरोही नहीं समझ पाते। आप एक बात समझिए, आरोही पहले आता है, तो सबसे पहले किस कौन आता है? यदि दो भाई है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो सबसे पहले किसे देखा जाएगा? बड़े को। यानी अगर आरोही की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? आपका बड़ा। और यदि आपकी अवरोही की बात करें तो अवरोही यानी बाद में कौन सा आता है? छोटा भाई। तो छोटा भाई कौन सा है? ये, यानी उसे क्या कहेंगे? अवरोही। क्लियर हो गई बात? तो ये तो पहली बात हो गई कि आपको ये ध्यान रखना है आरोही कौन सा है और अवरोही कौन सा है। अब सवाल की बात करें तो सवाल आपका दोनों ही तरीके से पूछ लिया जाता है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा इन संख्याओं में से बढ़ता क्रम लिखिए, यानी आपको डिजिट दे दिए जाएंगे, जैसे कुछ भी डिजिट दे दी है ना, कुछ भी डिजिट दे दी, 2/4 दे दिया, 5/6 दे दिया, 7/2 दे दिया, इस तरीके से कोई भी आपको नंबर यानी आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया और उसके लिए बोल दिया जाएगा आपको बढ़ते क्रम में लिखिए। किसमें लिखिए? बढ़ते क्रम में। या बोल दिया जाएगा आपको आरोही क्रम में लिखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरोही क्रम कौन सा है, प्लस आपका कौन सा ध्यान रखना है, अवरोही क्रम कौन सा है। ये बात यदि आप ध्यान रख लेंगे तो आरोही अवरोही तुरंत लगा देंगे। अब अगर बात करें आपकी सिंपल डिजिट की यानी सिंपल नंबर की, तो जैसे मान लीजिए आपका 5, 7, 6, 3, 2 इस तरीके से आपका कुछ नंबर दिया हुआ है, यानी इस तरीके से आपको कोई डिजिट की संख्याएं दी हुई है, इनको आपको किसमें लगाना है? बढ़ते क्रम में लगाना है। किसमें लगाना है? बढ़ते क्रम में। तो आप इसे तो आप तुरंत लगा दोगे, 2 आपका छोटा होता है, उससे बड़ा 3 होता है, उससे बड़ा 6 होता है, उससे बड़ा आपका होता है 5, उससे बड़ा 6 होता है, और उससे बड़ा क्या होता है? 7 होता है। आपने तुरंत लगा दिया क्योंकि ये क्या है? नंबर है, यानी आपकी ये कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्याएं मैं आपको बता चुका हूं, तो आपने तुरंत लगा दिया क्योंकि आप परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं। अब यदि बात करें, यही मैं चेंज कर दूं इसमें, जैसे कि मैंने 3 लगा दिया, इसमें मैंने 4 लगा दिया, इसमें मैंने 2 लगा दिया, इसमें 2 की जगह आप लगा लीजिए 7 लगा दिया, इसमें मैंने लगा दिया 2 और इसमें लगा दिया आपका 7, इस तरीके से अब आपका फ्रैक्शन दे दिया। क्या दे दिया? फ्रैक्शन दे दिया, कोई फ्रैक्शन हो। अब इसमें आपसे कहेंगे भैया आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाइए, तो आप इसमें क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओ। क्या हो जाओ? कंफ्यूज के इसमें आप कैसे करें, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको संख्याएं बताई थी, पहले तो वो पढ़नी है आपको, जो पिछली वाली मेरी वीडियो है वो आपको देखनी है, उससे आपको ये क्लियर होंगे। अब बात करते हैं कैसे चेक करेंगे, तो वो देखते हैं कैसे। आप इनकी मैं आपको 2 टाइप बताऊंगा, कैसे टाइप बताऊंगा, पहला टाइप बताऊंगा आपको, टाइप फर्स्ट बताऊंगा एंड टाइप सेकंड बताऊंगा, टाइप सेकंड। इन दोनों टाइपों से आप कोई भी टाइप लगा सकते हैं जिससे आपका ये निकल आएगा कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। बाकी का तो आप इस तरीके से भी, जैसे मान लीजिए
मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें आपका इस तरीके से बताया है कि अगर अंश आपका बड़ा हुआ हर छोटा हुआ तो वो कौन सी होगी, या आपका हर बड़ा बड़ा जा रहा है अंश छोटा जा रहा है तो वो कौन सी आपकी संख्या होगी या कौन सा वो होगा, तो वो भी मैंने उसमें बता दिया है। बट इसमें अभी बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट टाइप कैसा होता है, 2y 3 दे दिया मैंने, 2y 3 कॉमा 1y 4 कॉमा 2y 5 कॉमा 3y 7 इस तरीके से मैंने ये आपको क्या दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया। ये आपका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्या है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, वो आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए पहला जो टाइप है उस टाइप से आप इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ज्यादातर बच्चे ये गलतियां करते हैं कभी कभी एग्जाम में या किसी भी टाइम पे। एक आपका टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ आप कभी कभी भूल जाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो उसमें क्या है, कभी कभी बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं 3 में, यानी ऊपर से नीचे वाली यानी अंश से हर में आप क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। बट वो आपका क्या है, गलत है। जैसे 2 से भाग कर दिया मैंने 3 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 3 यहाँ लिखना है और 2 यहाँ लिखना है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है जो आप पहले से करके आए हैं। तो कैसे करेंगे डिवाइड, अब आप डिवाइड भी पहले करके आए हैं लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ बहुत कमजोर यानी बहुत बेकार लगती है, लेकिन वो आती तो है, करनी भी पड़ती है और इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आ गया और घबरा गए कि यार इस तरीके से तो मैंने भाग कभी किया ही नहीं, मुझे सिखाया ही नहीं। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, आप ये वाली वीडियो यानी ये वाला मेरा चैप्टर देख रहे हो तो आप सीख जाओगे। कैसे, जब इस तरह की संख्या हो, इधर आपकी बड़ी हो इधर आपकी छोटी हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक 0 लगाते हैं और यहाँ आपका एक 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक, यहाँ आपका एक 0 बढ़ा लेते हैं, फिर लगाते हैं पॉइंट। क्या लगाते हैं, पॉइंट यानी दशमलव, इसे कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं, दशमलव, जो मैंने कल भी आपको बता दिया था, इसे क्या कहते हैं, दशमलव। क्लियर है, तो ये बात होगी, इसे दशमलव कहते हैं, दशमलव लगा दिया और पॉइंट लगा के मैंने यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब क्या होगा, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 का टेबल, 3 6 18 हो गया है ना, तो कितना बचा आपका, 2 बचा आपका, कितना बचा, 2 बचा। घटाते हैं, ये भी आपको पता हो, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, भाग इस तरीके से होता है। अब ये आ गया 2, अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 और बढ़ जाएगा, अब फिर से वही बात होगी है ना, तो इस तरीके से फिर 2 लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। जब बढ़ती जाती है तो वो मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। और इसमें भी मैंने एक बात बताई थी कि एक जैसा बढ़ रहा हो है ना और अलग अलग बढ़ रहा हो, तो वो भी मैंने आपको बताया था, शांत और अशांत करके कुछ बताया था, वो आपको पिछली वीडियो में पता चलेगा, इसमें मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। तो वो इस तरीके से आप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ अगर हमें ये बताना है कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी, तो यहाँ हम बार नहीं लगाएंगे, बार लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो इसमें मैंने बार नहीं लगाया और इसे क्या कर दिया, 0.67 कर दिया। ये जो होता है आने वाली बढ़ती क्रम, इसे इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 0.67 हो गया। क्लियर हो रही है बात, ये क्या हो जाएगा, 0.67। अब बात करते हैं इसकी, इस तरीके से आप सबके भाग लगा के देखेंगे, क्या करेंगे, सबके भाग लगा के देखेंगे। अगर टाइप फर्स्ट को अपनाएंगे तो सबके भाग लगाकर देखने पड़ेंगे। जैसे 1/4 दे दिया, इसका भी भाग हम लगाएंगे तो क्या होगा, 1 यहाँ, 4 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, पॉइंट यहाँ, 4 × 8 बचा कितना, 2 पॉइंट लगाए हुआ है 0, 4 × 5 = 20। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0.25, कितना आ जाएगा, 0.25। ये हो गया 0.25, ये हमारा एक निकल आया, इसका एक निकल आया, इसका अब निकालते हैं इसका। देखिए इसका किस तरीके से निकालेंगे, इसका भी ऐसे ही निकालेंगे भैया, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, ये तो पूरा ही कट जाएगा, कुछ नहीं होगा, 0.4 आ जाएगा, यानी 0.4 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही बात करेंगे कि इसका भी इसी तरीके से भाग करेंगे, 3 लगाया, 7 लगाया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया है ना, 7 × 7 7 × 14 7 × 21 7 × 28 यानी कितना आएगा, 28। ये तो आपको पता ही होगा
कि जो आपकी संख्या होती है, ये वाली संख्या होती है, इससे बड़ा नहीं ले जाते हैं, इसके बराबर हो या इससे छोटा हो वो नंबर लेते हैं और आपको माइनस हो जाता है। कितना बचेगा? 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 इक्वल लगा दीजिए, 7 दूनी आपका होता है 14, कितना होता है 14, तो कितना बचा आपका 6 बचा, कितना बचा 6, 0 लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये आप इसको करते जाएंगे कुछ ना कुछ निकलता जाएगा, शायद है कि ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाए या शायद यही रुक जाए या आगे और चलता चला जाए, तो यहाँ इसको यही रोक देंगे, केवल हम दो ही नंबर ले लेंगे, ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, हमें केवल चेक करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट क्या होगा, पूरा करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने क्या ले लिया, 2 डिजिट तक ले लिया पॉइंट के बाद। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए आपके पास पहले इस तरीके से था जिसमें हम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी संख्या बड़ी है, बट अब इस तरीके से है इसमें आप समझ लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। एक बात और मेन बात जो है वो आपकी मुख्य बात कौन सी है कि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है कि 0.6, 0.2, 0.4 या 0. अगला भी है 4 और 2। अब इनमें कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता रहता ये बड़ी है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, पॉइंट की बात की संख्या आप देख लीजिए, जो बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। कैसे? अब इसमें मैंने क्या कहा था आपको, ये कौन सा है, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि इसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है, यानी कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, तो आप कैसे पता करेंगे, ये है 0.42, ये है 0.4, ये है 0.2, ये है 0.6, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बड़ा। और 0.6 किसका आया था, 0.67 आपका आया था किसका, ये आया था आपका पहली वाली संख्या का, किसका आया था, पहले वाले जो फ्रैक्शन है उसका कितना आया था 0.67, यानी 2y3 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, इस तरीके से ये आप पता लगा लिया। अब इसी क्वेश्चन में क्या हुआ, इसी क्वेश्चन में एक बात और आ जाती है, वो क्या आ जाती है, मैंने अभी भी आपको बताया बड़ा और छोटा, अब बात आ जाती है, मैंने आपको बड़ा तो बता दिया, अब छोटे की बात आएगी, छोटा कौन सा है इसमें से, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, वो भी आपको दिख रहा होगा कि 0.2 आपका सबसे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटा, क्या हो जाएगा, छोटा, यदि छोटा नंबर पूछे यानी छोटा फ्रैक्शन पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, 0.2। क्लियर है, ये आपका छोटा और बड़ा हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं आरोही की, आरोही क्रम, तो मैंने अभी अभी आपको यहाँ क्लियर कर दिया है आरोही क्रम क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा क्रम अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, मैंने यहाँ भाग करके देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने भाग करके देखा हुआ है, यानी बढ़ता क्रम होता है, और बढ़ता क्रम कैसा होगा, पहले आएगी सबसे छोटी, कौन सी आएगी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है 0.25, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी है आपकी 0.4 और 0.42, ये दोनों और हैं, है ना, तो 0.42 आपकी आ गई, ठीक, उससे बड़ी ये, सॉरी ये आपकी कौन सी आ गई, ये छोटी आ गई, इससे बड़ी ये आ गई सबसे छोटी, फिर उसके बाद सबसे उससे बड़ी और उससे बड़ी और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी है 0.67, ठीक है, इसमें ये वाली यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी, ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया, सबसे छोटी, उससे बड़ी और उससे भी बड़ी। इसमें यदि साइन लगाएं, एक मिस्टेक और होती है स्टूडेंट से, वो क्या होती है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, इसमें एक मिस्टेक होती है, भैया कौन सा साइन बड़ा है कौन सा साइन छोटा है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, जहां की तरफ ये हो गया मुंह फाड़ना, अब मुंह फाड़ते हैं तो कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जिधर मुंह फटेगा वही आपका क्या होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा, और जहां छोटा रहेगा वो कैसा है, छोटा, तो ये क्या होगा, ये छोटा होगा, तो इसमें साइन कौन से लग जाएंगे, इस तरीके से लग जाएंगे, क्लियर है, इस तरीके से ये साइन आपके लग जाएंगे, तो छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, क्लियर है बात, समझ में आ रही नहीं आ रही है, इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी में यदि मैं कैसा क्रम कर दूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सा बढ़ता क्रम, कौन सा बता दिया बढ़ता क्रम, अब इसी में मैं आपको छोटा क्रम यानी अवरोही, तो अवरोही में क्या करेंगे, अवरोही अगर मैंने बता दिया तो अवरोही में क्या करेंगे, है ना, अवरोही में जो साइन है उसे आप, और ये जो है ये इस तरीके से लिख जाएगा
0.67 यहाँ आ जाएगा, 0.4 यहाँ आ जाएगा, 0.42 और 0.4 यहाँ आ गया और 0.25 यहाँ आ गया, और ये इस तरीके से हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या उससे छोटी और उससे भी छोटी, ठीक है बात समझ में आ गई बात, बड़ी उससे बड़ी उससे छोटी और उससे भी छोटी, क्लियर है। इस तरीके से अगर लग जाएगा तो वो आपका कौन सा क्रम हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अवरोही, कौन सा हो जाएगा अवरोही। इस तरीके से आपके क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन आपका लिया उससे आपको मैंने छोटा क्रम, बड़ा क्रम, आरोही और अवरोही ये सारा क्लियर हो गया होगा आपके, और ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, समझ में आ रही है बात। यदि आपको मेरी वीडियो या मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें। और अपने ऐसे ही कुछ मित्र, ऐसे ही आपके कोई मित्र जिनको मैथ्स कैसी लगती है, मैथ्स जो है वो बेकार लगती है या बुरी लगती है या फिर समझ में नहीं आती है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये क्या कर दें, आप शेयर कर दें, क्या कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी कुछ लाभ हो सके, यानी उनका भी कुछ भला हो सके, वो भी कुछ सीख सके। क्योंकि मेरे पास यानी हमारी जो वीडियो है रोजगार कोच चैनल के द्वारा जो चलाई जा रही है वो आपकी बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। अभी कैसे कराई जा रही है, फ्री कराई जा रही है। यदि फ्री कराई जा रही है तो इनका आप लाभ उठाएं और आगे चल करके जो भी है हमारा सहयोग करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगला क्या है, अगला मैं आपको इसलिए बताने जा रहा था, सेकंड टाइप, कौन सा टाइप, सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप कैसा होता है वो देखिए, सेकंड टाइप में क्या होता है, यदि मैंने कोई नंबर दे दिया 4/5, कोई फ्रैक्शन नंबर दे दिया 4/3, 6/2 या 6/7 दे दो, 2/5, 1/4 इस तरीके का कोई नंबर है, ठीक है, या कोई फ्रैक्शन है, इसमें आप सेकंड टाइप किस तरीके से होता है वो समझिए। सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी गुणा कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए आप, जो भी टाइप आपको अच्छा लगे, जो भी टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाए आप उसी का प्रयोग करें और सवाल को जल्दी से कर दें। सेकंड टाइप कैसा होता है कि यदि 4/3 है, मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाता है 6/7 का, ये दो नंबर दे दिए मैंने, ये वाले दो नंबर ले लेंगे, फिर ये वाले दो नंबर ले लेंगे, फिर ये वाले दो नंबर, यानी पहले ये वाला फ्रैक्शन, फिर ये वाला फ्रैक्शन, फिर ये वाला फ्रैक्शन, इससे हम लोग चेक कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। कैसे, 7/4 28 और 3/6 18, ठीक है। अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये वाली संख्या बड़ी हो गई है ना, ये वाला नंबर आपका बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, 6/7 मल्टीप्लाई आपका कर लो 2/5, मल्टीप्लाई होगा आपका क्रॉस में, कैसे होगा क्रॉस में, 5 को मल्टीप्लाई 6 में, 6 × 5 = 30, ठीक, बराबर इसका गुणा इसमें, यानी 7 × 14, ठीक। अब इसमें कौन सी बड़ी दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो 2/5 ठीक गुणा 1/4, तो 6 × 8 ठीक, और 5 × 5, तो इसमें कौन सी बड़ी दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा मालूम पड़ गया, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक। अब ये वाला नंबर आप लिख लीजिए, 4/3 6/7 2/5, ये इसी तरीके से अभी देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। ये वाला नंबर बड़ा हो गया 18 से, यानी 6/7 से 4/3 आपका कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो इन्हें भी आप लिख सकते हैं 28, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, 30 है सबसे बड़ा, कौन सा है, 30 है, तो 30 लिख लीजिए सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन सा है, 28 है, उससे छोटा कौन सा है आपका, 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लिख लिया, ये कितना, 1 2 3 4, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए या फिर आप इसे ही लिख लीजिए, ये आपका 4/3 आपका कैसा हो गया, 18 से बड़ा हो गया, यानी 6/7 से बड़ा हो गया, यानी 6/7 से ये बड़ा हो गया, तो 4/3
बड़ा का साइन लगा लीजिए और कौन सी ये वाली लिख लीजिए, ये हो गया ठीक है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा ये बड़ा है किससे 14 से ठीक, ये बड़ा है किससे 14 से 2/5 से 6/7 बड़ा है, तो 6/7 आपका किससे बड़ा हो गया 2/5 से 2/5, तो इससे दोनों में कौन सा बड़ा है, इनमें दोनों में आपका ये वाला बड़ा है, यानी ये इस तरीके से लग जाएगा ठीक। अब इसकी बात करें तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, अब आपका 2/5 यहाँ लिख गया, अब रह गया आपका 1/4, क्या रह गया 1/4, अब 1/4 में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसका साइन बढ़ेगा इस तरीके से लग गया। तो इस तरीके से आपके साइन लग जाते हैं और बड़ा क्रम छोटा क्रम आपका निकल के आ जाता है। ये आपकी कैसी होती है, सेकंड विधि होती है, यानी सेकंड टाइप होता है आपका, कैसा होता है सेकंड टाइप होता है ठीक। इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं, उस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं, क्लियर हो रही है बात, किसी भी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और नंबर को लगा सकते हैं। तो आज का ये आरोही और अवरोही का क्रम आपका समाप्त होता है। आगे मैं अगली वीडियो में आपको दशमलव का बताऊंगा, किसका बताऊंगा दशमलव का, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है। थैंक्स।